हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक ऐसे बूढ़े आदमी को देखेंगे जो कि एक नंबर का ठरकी होता है, क्योंकि उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी, इसलिए वो अपने फोन में हमेशा लड़कियों को देखता रहता था। और वो हमेशा ये विश करता था कि काश वो फिर से जवान हो जाए। एक दिन जब वो एक लड़की के साथ घपाघप कर रहा होता है, तभी वो लड़की उसे बताती है उसे एक दवा के बारे में पता है जिसे लेने से वो फिर से जवान हो सकता है। अब वो आदमी उस दवा की तलाश में लग जाता है और फाइनली उसे वो दवा मिल जाती है। वो जैसे ही इस दवा को लेता है, वो फिर से बहुत हैंडसम और जवान हो जाता है और अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, ये हम आगे इस मूवी में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक बड़े से शहर से होती है। यहाँ हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम गैरी है। गैरी एक फोटोग्राफर होता है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक नंबर का ठरकी था और वो अपनी दुकान में बैठकर पूरे दिन बस लड़कियों की फोटोज देखता रहता था। एक दिन एक लड़की उसके पास आती है और वो उससे कहती है, मैं पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाना चाहती हूँ। ये सुनकर गैरी उसे चेंजिंग रूम से कोट निकाल कर देता है और फिर वो खुद बाहर चला जाता है। गैरी के जाने के बाद वो लड़की अपना कपड़ा चेंज करने लगती है, लेकिन गैरी चुपके से उसे कपड़ा चेंज करते हुए देखता है। लेकिन जल्द ही उस लड़की को गैरी की हरकत का पता चल जाता है। इसके बाद वो गैरी की दुकान में बहुत हंगामा करती है। वो गैरी पर बहुत चिल्लाती है और उसे बहुत सारी गालियां देकर यहाँ से चली जाती है। गैरी के दुकान के जस्ट बगल में सैलून की दुकान थी और इस दुकान का मालिक ली नाम का आदमी होता है और वो उससे कहता है, हम लोग बूढ़े हो चुके हैं और हम लोगों को अब लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन गैरी तो खुद को बूढ़ा नहीं मानता है, इसलिए उसे ली की बातें फिजूल लगती हैं। रात होने पर गैरी अपने घर आता है और वो यहाँ अपने फोन में लगा हुआ था और अपने फेवरेट एक्ट्रेस की मूवी देख रहा था, लेकिन वो एक एडल्ट मूवी थी। उस वीडियो को देखते देखते गैरी के तन बदन में आग लग जाती है। इसके बाद वो अपनी हाथ की शक्ति दिखाता है और अपने आप को ठंडा करता है। हम लोग देखते हैं गैरी अभी तक कुंवारा है और उसकी शादी अब तक नहीं हुई है, क्योंकि उसके पास अच्छा घर नहीं है। शादी ना होने के कारण वो पूरा दिन सिर्फ लड़कियों के बारे में सोचता रहता था। अगले दिन गैरी के दुकान में एक लड़का आता है और वो डिफरेंट डिफरेंट पोज में अपनी फोटोज खिंचाता है। इसके बाद वो गैरी की खिंची हुई फोटोज देखता है, तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहता है, तुम तो इस शहर के सबसे बदनाम फोटोग्राफर हो और तुम्हें कई बार लड़कियों ने पिटा है, कई बार तुम जेल जाते जाते भी बचे हो। गैरी को यहाँ शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करता है। इसके बाद वो लड़का उसे पैसे देकर अपनी फोटोज लेकर चला जाता है। उसके जाते ही ली गैरी के पास आता है और वो उससे कहता है, हमारे शहर में एक नया क्लब खुला है जहाँ कई लड़कियाँ पैसे लेकर कुछ भी करती हैं, हमें एक बार तो वहाँ जरूर जाना चाहिए। ली की बात सुनकर गैरी मान जाता है। इसके बाद वो रात होने पर नए क्लब में आते हैं और यहाँ आकर वो बहुत दारू पीते हैं। उसी वक्त एक लड़की आकर ली के पास में बैठ जाती है और वो लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी, जिसका नाम सूजी था। सूजी को देखकर गैरी की फीलिंग्स जागने लगती है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सूजी भी उसी को देख रही थी। कुछ देर बाद हम लोग सूजी को देखते हैं जो कि गैरी के घर में आई है और गैरी उसे घोड़ी बनाकर घपाघप कर रहा है। इसके लिए गैरी ने उसे पैसे दिए थे। गैरी यहाँ अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन उससे कुछ खास नहीं हो पा रहा था। मिशन में नाकाम होने के बाद गैरी सूजी से बातें करता है। गैरी उससे पूछता है, तुम्हें मेरे साथ कैसा लगा? सूजी पहले तो उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन वो बाद में कहती है, मैंने एक दवा के बारे में सुना है जो कि बूढ़ों को भी जवान बना देती है और वो दवा हमारे शहर में भी अवेलेबल है, लेकिन वो कहाँ मिलती है ये मुझे नहीं पता। सूजी की बात सुनकर गैरी सोच में पड़ जाता है और अब गैरी को हर हाल में वो दवा चाहिए थी। कुछ दिनों बाद एक नई बिल्डिंग में एक मॉडल का फोटोशूट हो रहा था। गैरी भी यहाँ पहुंचकर उसकी फोटोज लेता है और ये नई मॉडल देखने में बहुत खूबसूरत थी। इस खूबसूरत लड़की को देखकर गैरी के मुंह में पानी आने लगता है। इसी बीच मॉडल का मैनेजर यहाँ आता है और वो इन लोगों को फोटो लेने से रोकता है, क्योंकि मॉडल को इस वक्त मेकअप करना था। उसकी बात मानकर सारे फोटोग्राफर्स रुक जाते हैं और मेकअप मैन मॉडल का मेकअप करने लगता है। गैरी को जैसे ही मौका मिलता है, वो मॉडल के पास आता है और उससे वो उसका नाम पूछता है। तभी मेकअप मैन और भी सामान लेने के लिए यहाँ से चला जाता है। तब गैरी को मॉडल से बात करने का मौका मिल जाता है और वो उसके साथ काफी सारी बातें करने लगता है। बातों ही बातों में गैरी उसके क्लोज आता है। तब मॉडल उससे कहती है, मेरा रेट बहुत हाई है और मैं सिर्फ अमीर लोगों को ही छूने देती हूँ और उन लोगों के पास बहुत बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। तुम तो काफी गरीब इंसान हो, साथ ही साथ तुम बूढ़े भी हो। उसकी बात सुनकर गैरी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगता है। तभी मेकअप मैन यहाँ आ जाता है और वो मॉडल को बचाता है। इसके बाद मॉडल का मैनेजर यहाँ आकर गैरी को बहुत मारता है। ये लोग यहाँ गैरी को खूब मारते हैं। इसके बाद उसे यहाँ से निकाल दिया जाता है। इतने बुरे तरीके से मार खाने के बाद गैरी और भी गुस्सा हो जाता है और अब वो उस मैनेजर को मारना चाहता था, लेकिन वो खुद ये काम नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। वो गुस्से में शहर में इधर उधर घूमने लगता है। इधर उधर घूमते हुए उसकी नज़र एक दवा खाने पर पड़ती है। इस मेडिकल स्टोर को देखकर उसे सूजी की बातें याद आती हैं। इसके बाद वो उस दवा खाने में जाता है। यहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी। गैरी उसके पास जाता है और ये कहता है, मुझे घोड़ी की तरह पावर देने वाली दवा चाहिए। इस पर वो औरत उससे कहती है, मेरे पास ऐसा कोई भी दवा नहीं है। उसकी बातों को सुनकर गैरी उदास हो जाता है और यहाँ से जाने लगता है।
तभी एक औरत अंदर से निकलती है और वो उसे यहाँ रोकती है। उस औरत का नाम लीजा था। वो गैरी को कोई और आदमी समझती है और वो उसे कहती है, तुम्हारे बॉस का मेरे पास कॉल आया था और मैंने तुम्हारी दवा तैयार रखी है। इसके बाद वो दवा दिखाकर गैरी से ये बोलती है, ये दवा तुम्हारे बूढ़े बॉस को जवान कर देगी क्योंकि मैंने इसे बहुत खास जड़ी बूटियों से बनाया है। लेकिन तुम अपने बॉस को ये बता देना कि इस दवा का ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक है, अगर उसने इसका ओवरडोज लिया तब उसकी मौत भी हो सकती है। गैरी यहाँ लीजा की बातों को सुनकर यह समझ जाता है कि लीजा उसे कोई और आदमी समझ रही है, इसलिए वो चुपचाप उसकी सारी बातों को सुन रहा था। लेकिन वो इस दवाई को चाहता था, इसलिए वो चुपचाप उस दवाई को लेकर अपने घर आ जाता है। जब वो अपने घर में बिस्तर में लेटा हुआ था तब उसे सूजी की बातें याद आती हैं। इसके बाद वो उस दवा को पानी में घोलता है और फिर पूरा का पूरा ग्लास जल्दी से पी जाता है। इस दवा को लेने के बाद गैरी सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर गैरी सबसे पहले अपना मुंह धोता है। जब वो शीशे में अपना मुंह देखता है तब वो बहुत हैरान हो जाता है। उस दवा ने अपना कमाल दिखा दिया था और गैरी एक ही रात में बूढ़ा से जवान हो चुका था। गैरी हमेशा से यही चाहता था और उसे किस्मत के भरोसे वो दवाई मिल जाती है जिससे अब वो अपनी इच्छा पूरी कर सकता था। तभी कोई इसके दरवाजे पर आता है। दरवाजे पर किसी के आने की आवाज सुनकर वो घबरा जाता है। इसके बाद वो दरवाजे पर जाकर जैसे ही खोलता है वह अपने सामने ली को देखता है। ली उससे पूछता है, तुम कौन हो और वो मेरा फोटोग्राफर दोस्त कहाँ है। जवान गैरी उसे बताता है, मैं तुम्हारे दोस्त का रिश्तेदार हूँ और तुम्हारा दोस्त कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। उसके बाद सुनकर ली यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग में एक मॉडल का फोटोशूट हो रहा था। तभी गैरी भी अपना कैमरा लेकर डरते हुए यहाँ आता है। वो जैसे ही इन लोगों के सामने आता है वो लोग उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं। सभी लोगों के पूछने पर वो बताता है, वो एक नया फोटोग्राफर है और मैं भी इस मॉडल के कुछ फोटोज क्लिक करना चाहता हूँ। गैरी अब काफी हैंडसम हो चुका था, इसलिए वो मॉडल जब गैरी की बातों को सुनती है तब वो उसे अपना फोटो क्लिक करने की इजाजत दे देती है। इस नई मॉडल का नाम मैरी था। वो गैरी की जवानी देखकर उससे बहुत इंप्रेस हो जाती है। इसके बाद वो गैरी को अपने घर बुलाती है। धीरे धीरे करके अब गैरी की जिंदगी बहुत बदल चुकी थी और अब वो किसी भी लड़की को अट्रैक्ट कर सकता था। इसके बाद वो बहुत सारी लड़कियों के साथ गपागप करता है। वो बीच बीच में इस दवा को खा रहा था ताकि उसकी जवानी बनी रहे और कोई भी उसका राज ना जाने। कुछ दिनों बाद गैरी मैरी के साथ एक पार्टी में आता है। इस पार्टी में बहुत सारी लड़कियां थी। इन सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स को देखने के बाद गैरी के मन में लालच आ जाती है। लेकिन इसी पार्टी में एक लड़की सबसे अलग बैठी हुई थी। इसके बाद गैरी उसी के पास आता है। यहाँ आकर वो उससे बातें करता है। वो उसे अपना नाम बताता है। इसके बाद वो उसका नाम पूछता है और इस लड़की का नाम नताशा था। वो भी गैरी को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और गैरी को भी वो लड़की बहुत अच्छी लगी थी। इसके बाद गैरी उसके घर जाता है और वो उसके साथ पूरी रात गपागप कार्यक्रम करता है। अगली सुबह जैसे ही गैरी जागता है तब वो आईने में देखता है वो फिर से बूढ़ा हो चुका है। नताशा अभी भी सोई हुई थी। इसके बाद वो उसे नींद में ही छोड़कर यहाँ से निकल जाता है और वो सीधे दवाखाना जाता है जहाँ से उसने दवाई ली थी। यहाँ आकर वो लीजा से मिलना चाहता है। दुकान में बैठी लड़की से बातें करते हुए जैसे ही गैरी की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है वो उसे उठा लेता है। तभी लीजा यहाँ आती है और वो उसे समझाती है इसमें कोई दवा नहीं है। लेकिन गैरी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है क्योंकि वो हर हाल में जवान दिखना चाहता था। लीजा उससे वो बॉक्स लेना चाहती थी। इसी बीच इन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और गैरी उसे जान से मारकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो जल्दी से अपने घर आता है। घर आकर वो जैसे ही इस डब्बे को खोलता है वहाँ बस थोड़ी सी ही दवा थी। वो इसे देखकर बहुत हैरान होता है। लेकिन गैरी हर हाल में जवान दिखना चाहता था। इसके बाद वो बॉक्स में अपना मुंह डालता है और उस दवा को चाटने लगता है ताकि वो फिर से जवान हो जाए और उस डब्बे को चाटते हुए वो सो जाता है। अगले दिन जब गैरी की नींद खुलती है तब वो देखता है वो फिर से जवान हो चुका है। इसके बाद वो जल्दी से तैयार होकर नताशा के घर आता है। यहाँ ये लोग दिन भर बहुत इंजॉय करते हैं। अगले दिन जब गैरी की नींद खुलती है तब उसे बहुत जोर से सरदर्द होता है और वो देखता है नताशा यहाँ से जा चुकी है। वो अपने बेड से उठता है और अपना सर पकड़कर वो नताशा को ढूंढने लगता है। जब वो नताशा को ढूंढते हुए बाथरूम की तरफ जाता है तब वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है। गैरी जब उससे पूछता है तुम कौन हो तब वो औरत बताती है मैं नताशा हूँ। ये सुनकर गैरी बहुत हैरान होता है। नताशा उसे बताती है मैं एक दवा खाने से दवा खाकर जवान हुई थी लेकिन कल किसी ने उस दवाई बनाने वाली को मार दिया जिसके कारण आज वो दवा मेरे पास नहीं है। नताशा की बात सुनकर गैरी बहुत हैरान होता है क्योंकि उसी ने जल्दबाजी में लीजा को मार दिया था। तभी गैरी भी अचानक बूढ़ा हो जाता है। उसे देखकर इस बार नताशा बहुत हैरान होती है। मूवी के लास्ट में हमें ये दिखाया जाता है ये दोनों लोग यहीं पर तड़प तड़प कर मर जाती हैं क्योंकि इन दोनों ने ही दवा का ओवरडोज लिया था। लीजा ने दवा देने से पहले ही इन दोनों को समझाया था कि इस दवा का ओवरडोज इन्हें मार सकती है और ऐसा ही होता है। ये दोनों यहीं पर मर जाती हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।